महोदय, कल इस सदन में शिक्षा, कला एवं संस्कृति की मांग पर चर्चा हो रही थी और बहुत सारे मेरे साथी सदस्यों ने कहा कि शिक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर जैसे खेतली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे शरीर का 75% हिस्सा भी पानी है, तो मैं भी कहना चाहूँगा कि जल है तो जीवन है और जल है तो कल है। आपने मांग संख्या 27 पेयजल योजना पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जलदाय विभाग की पेयजल की मांग पर चर्चा करना तब गौण हो जाता है जब इस सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई घोषणाएं भी पूरी नहीं होती है। मैं जिक्र करना चाहूँगा, पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 ट्यूबवेल और 40 हैंडपंप की घोषणा करी और उससे पिछले वर्ष 10 सोलर पंप की घोषणा करी। माननीय सभापति महोदय, अगर बात करूँ मेरे विधानसभा क्षेत्र की, तो 10 ट्यूबवेल तो कहीं आधा 10 ट्यूबवेल तो कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं, धरातल पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और बात करूं हैंडपंप और सोलर पंप की, तो वो कार्य भी पूरे नहीं हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे पिता के स्वर्गीय श्री धर्मपाल चौधरी जी के अच्छे सहयोगी रहे हैं, तो आपसे आग्रह करना चाहूँगा और उम्मीद भी आपसे ही कर सकता हूँ कि इस समय में जब ये गर्मी का समय आने वाला है तो आप इन मांगों को सुनकर और ये दोनों मांग, ये जो तीनों मांग है मेरी, पूरी जरूर करेंगे। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का अधिकतर हिस्से में घर घर तक पानी नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से महिलाओं को दूर दूर तक पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। इसे कहना चाहूँगा, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार की योजना जल जीवन मिशन राजस्थान के लिए एक वरदान के रूप में हमें मिली है। माननीय सभापति महोदय, जिससे प्रदेश के हर घर तक पीने का पानी पहुँच सकेगा। पर अगर बात करूँ राजस्थान प्रदेश की, तो आज केवल हम मात्र 4 राज्यों से इस मिशन में आगे हैं। अगर यही हालात रहे तो ना जाने हमारे देश की जनता को, हमारे प्रदेश की जनता को हम पानी कैसे पिला पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, इस योजना के तहत 10% राशि आम जनता से ली जाती है और जहां पर टंकी का निर्माण किया जाएगा तो वहां पर करीब करीब प्रति घर जो राशि ली जाएगी वो 4,000 रुपये के करीब आएगी। तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा, इस राशि के अंदर छूट दिलवाई जाए। अगर आप संपूर्ण छूट नहीं दे सकते तो कम से कम इसको 4 हिस्सों में बांटकर उस गरीब आदमी से इस राशि को आप लें। माननीय सभापति महोदय, अब जब इसके संचालन की बात आती है तो मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर तथा संपूर्ण राजस्थान में इस योजना की स्वीकृति के साथ साथ ही ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन किया गया था। साथ ही उन समितियों से ये अंडरटेकिंग भी ली गई थी कि योजना का संचालन वे स्वयं करेंगे तथा प्रति कनेक्शन बिल की वसूली करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, 10% राशि जो इस समिति ने ली है वो राशि जन स्वांतरिक अभियान विभाग में जमा करा दी जाएगी, तो ग्राम जल स्वच्छता समितियों में बैंक खाते में राशि शून्य हो जाएगी। और साथ ही करीब करीब जो योजना बनी है वो करीब करीब योजनाओं के अंदर 1 या 2 नलकूप के माध्यम से इस योजना में जल की आपूर्ति की जाएगी और इस पावर पेयजल सप्लाई के लिए नलकूपों से जो बिल लिए जा रहे हैं, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो बिल लिए जा रहे हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के हिसाब से चार्ज करके लिए जा रहे हैं। अगर एक नलकूप को आप 6 घंटे चलाएंगे तो एक नलकूप के लाइट का जो बिल एक महीने में आएगा वो 18 से 20 हज़ार रुपये प्रति नलकूप आएगा। और साथ ही आपको इसके संचालन के लिए एक व्यक्ति को वहाँ पर रखना पड़ेगा। अगर श्रम नियमों के हिसाब से अगर उस व्यक्ति को वेतन देना पड़ेगा तो करीब 10,000 रुपये उसको वेतन देना पड़ेगा और साथ ही उसके देख रेख के लिए अन्य खर्च होगा। तो इस तरह से एक नलकूप की जो योजना है उसका संचालन का खर्च करीब करीब 35 से 40 हज़ार रुपये प्रति महीने आएगा। एक तरफ तो राजस्थान सरकार कहती है कि हम लोगों को मुफ्त में पानी पिलाएंगे और दूसरी तरफ राजस्थान में ही पानी के लिए करीब 300 से 350 रुपये हर परिवार से लेने की सरकार योजना बना रही है, तैयारी कर रही है। अतः आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, माननीय मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए या तो बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ या सरकार हर महीने ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को कुछ राशि सहायता के रूप में दे, जिससे ये आने वाले समय के अंदर ये योजना धरातल पर अच्छे तरीके से काम कर सके। माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन का लक्ष्य हर घर तक केवल पीने का पानी पहुंचाना नहीं बल्कि गुणवत्ता का पीने का पानी उस व्यक्ति को उपलब्ध हो इसकी उपलब्ध करवाना है। इसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने आने वाले वर्ष में 102 ब्लॉक के ऊपर NABL प्रयोगशालाएँ स्थापित करने जा रही है।
मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, क्या ये प्रयोगशालाएं मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर के ब्लॉक मुंडावर में नीमराणा में लग रही हैं? अगर नहीं लग रही तो आपसे आग्रह करना चाहूँगा, NABL जो लैब आप स्थापित करने जा रहे हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के दोनों ब्लॉक पर आप स्थापित करें, जिससे आने वाले समय में मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पीने का पानी आराम से उपलब्ध हो सके। माननीय सभापति महोदय, आपका ध्यान एक और बात पर आकर्षित करना चाहूँगा। 24 फरवरी 2021 को बजट घोषणा के समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिंदु संख्या 178 पर इसदा बांध की बात कही थी, जिसमें अलवर जिले के पंचायत समिति उमरैन, रैणी, बांसुर, थानागाजी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ और कठुमर के 4 कस्बे तथा 161 गांवों की बात उन्होंने कही थी। इस योजना को विस्तृत उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने की घोषणा की गई थी। इसी क्रम मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर के अंतर्गत आने वाली पंचायत समिति मुंडावर के 146 तथा नीमराणा के 36 ग्राम आते हैं आप, और दो तीन बड़े कस्बे मुंडावर, शाजापुर और नीमराणा आते हैं, जिसमें दो बड़े कस्बे तो औद्योगिक क्षेत्र है नीमराणा और शाजापुर, जहां पे 25,000 से अधिक की आबादी तो बाहर अन्य राज्यों से आई हुई है, तो और वहां पर भूजल है उसकी स्थिति आज भयावह बनी हुई है। तो आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि अलवर जिले के लिए अलवर शहर, राजगढ़, रैनी, कठुमर जो सबसे ज़्यादा पेयजल की समस्या है, उसके बाद मेरा विधानसभा क्षेत्र मुंडावर के कस्बे, ये दोनों पंचायत समितियाँ आती हैं, और इस योजना में जो बांसुर विधानसभा क्षेत्र है वो मेरे मुंडावर से लगता हुआ है। अतः आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, इस परियोजना की इसरदा परियोजना की DPR जिसका बनने का कार्य चल रहा है, इस योजना में मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर के 182 गांवों को जोड़ने का कष्ट करें, जिससे दीर्घकालिक समाधान पेयजल के पानी का दीर्घकालिक समाधान हो सके। माननीय सभापति महोदय, आज भूजल की स्थिति हम सबके सामने है, और बात करूं राजस्थान की तो 295 में से 203 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पे स्थिति भयावह बनी हुई है, और बात करूं मेरे क्षेत्र मुंडावर की और नीमराणा की तो नीमराणा और शाजापुर औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण वहां पर भूजल का दोहन अत्यधिक है, क्योंकि सरकार से ज़्यादा दोहन तो वहाँ की फैक्ट्रियाँ करती हैं। अगर बात करूँ नीमराणा की तो वहाँ पर मेन हाईवे के ऊपर किंगफिशर बियर की फैक्ट्री लगी हुई है, अगर माननीय मंत्री जी वहाँ पर जांच करवाएं तो उस फैक्ट्री के अंदर आपको अनेकों बोर बिना स्वीकृति के वहाँ पर मिलेंगे। तो माननीय मंत्री, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, ऐसी फैक्ट्रियाँ जो भूजल का अत्यधिक दोहन करती हैं उनको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, जिससे आने वाले समय में वहाँ के जो आसपास के जो गरीब लोग हैं, आसपास की जनता है, उनको पीने का पानी आराम से उपलब्ध हो पाए। माननीय सभापति महोदय, अभी कुछ दिन पूर्व हर वर्ष की भांति कंटीजेंसी प्लान के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50-50 लाख रुपए हर एक कलेक्टर साहब को अलॉट किए हैं। तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, पिछले वर्ष के कंटीजेंसी प्लान के पैसे ही आज तक जिन्होंने टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई करा उन्हें आज तक नहीं मिले, उन ठेकेदार को आज तक नहीं मिले, तो आने वाले समय में हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो ठेकेदार एक बार पुनः की कंटीजेंसी प्लान के तहत अनेकों गाँवों के अंदर पानी सप्लाई करें? तो आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहले उन ठेकेदारों का जो बकाया भुगतान है उसको पूरा कराया जाए, उसके बाद आप आज ही अपने ब्लॉक के जितने भी अधिकारी हैं उनको निर्देशित करें कि आने वाला समय गर्मी का है, आज ही वहां पे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको कॉल कर उनसे बात कर हर एक पंचायत लेवल पर दोबारा से कंटीजेंसी प्लान बनाया जाए, जिससे आने वाले समय के अंदर वहां की गरीब जनता को पीने के पानी की समस्या ना हो। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत लेवल पर आमजन को, गरीब व्यक्ति को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, उस बोर के बिजली का कनेक्शन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के हिसाब से उसका चार्ज किया जाता है, जिसका बिल इतना अत्यधिक आता है कि पंचायत उसको वहन करने में सक्षम नहीं रह पाती है। जितना पैसा उसको सरकार के माध्यम से मिलता है वहाँ पर विकास करने के लिए, वो करीब करीब पैसा उस बिल के अंदर चला जाता है। तो आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, सरकार की बिजली है, सरकार का ही पैसा है, तो पंचायतों पर जो बोरिंग लगे हुए हैं कम से कम उनको कृषि के रेट पर आप वापस करवा दीजिए, जिससे पंचायत उनको आराम से उनका बिल भर सके और लोगों को वहाँ पर पीने के पानी की समस्या ना हो सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।